तो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट हेड हेवी बैडमिंटन रैकेट्स इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फिफ्थ नंबर की रैकेट है लीनिंग की तरफ से आने वाली लीनिंग टर्बो एक्स 92 बैडमिंटन रैकेट, जो लीनिंग की तरफ से आने वाली बहुत ही बढ़िया बैडमिंटन रैकेट है। तो जान लेते हैं इस रैकेट के स्पेसिफिकेशन। अगर हम ग्रिप साइज की बात करें तो 3.25 इंचेस की ग्रिप साइज आपको इस रैकेट पर मिलती है। वेट की बात करें तो 85 से लेकर 87 ग्राम्स के आसपास इस रैकेट का वेट आपको देखने के लिए मिल जाता है। आइसोमेट्रिक हेडशेप के साथ आपको यह रैकेट देखने के लिए मिल जाती है, जो बहुत ही अच्छा परफेक्शन आपको देता है। स्ट्रिंग लेवल की बात करें तो मतलब मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन की बात करें तो आप इस रैकेट पर 30 LBS तक मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन करवा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो मीडियम फ्लेक्स के साथ आपको रैकेट देखने के लिए मिल जाती है, जो बहुत ही अच्छा कंट्रोल आपको शटल पर देती है। अगर हम इस रैकेट के मटेरियल की बात करें तो कार्बन ग्राफाइट के साथ ये रैकेट बनाई गई होती है, जो बहुत ही अच्छा एंड ड्यूरेबल मटेरियल होता है। अगर हम इस रैकेट की प्राइस की बात करें तो 1800 से 2000 रुपीज के आसपास इस रैकेट का प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो बढ़ते हमारे फोर्थ नंबर की रैकेट पर, जो है एपेक्स की तरफ से आने वाली एपेक्स जेड जिगलर बैडमिंटन रैकेट, जो बहुत ही बेहतरीन बैडमिंटन रैकेट है। तो जान लेते हैं इस रैकेट के स्पेसिफिकेशन। अगर हम मटेरियल की बात करें तो ग्रेफाइट के साथ ये रैकेट बनाई जाती है। ग्रिप साइज की बात करें तो G4 की ग्रिप साइज आपको इस रैकेट पर देखने के लिए मिल जाती है। फ्लेक्स की बात करें तो मीडियम फ्लेक्स के साथ आपको ये रैकेट मिलती है, जो बहुत ही अच्छा कंट्रोल आपको रैकेट पर शटल पर मिलता है। वेट की बात करें तो 85 ग्राम के आसपास इस रैकेट का आपको वेट देखने के लिए मिल जाता है। आइसोमेट्रिक हेडशेप के साथ आपको रैकेट मिलती है, जो बहुत ही अच्छा परफेक्शन आपको देती है। अगर हम इस रैकेट की प्राइस की बात करें तो 2200 रुपीज के आसपास इस रैकेट का प्राइस आपको ऑनलाइन ऑफलाइन देखने के लिए मिल जाता है। तो बढ़ते हमारे थर्ड नंबर के रैकेट पर, जो है योनेक्स की तरफ से आने वाली योनेक्स वोल्ट्रिक 10 ताउफिक स्ट्रंग बैडमिंटन रैकेट, जो बहुत ही बेहतरीन बैडमिंटन रैकेट है। तो जान लेते हैं इस रैकेट के स्पेसिफिकेशन। ग्रिप साइज की अगर हम बात करें तो G4 की ग्रिप साइज आपको इस रैकेट पर देखने के लिए मिल जाती है। वेट की बात करें तो 80 से लेकर 85 ग्राम्स के आसपास इस रैकेट का वेट आपको मिलता है। हेडशेप की बात करें तो आइसोमेट्रिक हेडशेप के साथ आपको रैकेट देखने के लिए मिल जाती है। 30 LBS तक आप इस रैकेट पर मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन करवा सकते हैं। मटेरियल की बात करें तो ग्रेफाइट के साथ ये रैकेट बनाई जाती है, जो बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है, बहुत ही ड्यूरेबल मटेरियल होता है। अगर हम इस रैकेट की प्राइस की बात करें तो ये रैकेट आपको 3500 से लेकर 4000 के रुपीज के आसपास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साइट्स पर मिल जाती है। तो बढ़ते हमारे सेकंड नंबर के रैकेट पर, जो है योनेक्स की तरफ से आने वाली योनेक्स एस्ट्रॉक स्मैश बैडमिंटन रैकेट। तो जान लेते हैं इस रैकेट के स्पेसिफिकेशन। अगर हम ग्रिप साइज की बात करें तो G4 की ग्रिप साइज आपको इस रैकेट पर मिलती है। वेट की बात करें तो 73 ग्राम्स के आसपास इस रैकेट का वेट आपको देखने के लिए मिल जाता है। हेडशेप की बात करें तो आइसोमेट्रिक हेडशेप के साथ आपको यह रैकेट देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम बीम विड्थ की बात करें तो 6 mm के बीम विड्थ के साथ आपको रैकेट देखने के लिए मिल जाती है। एंड अगर हम प्राइस की बात करें तो 2000 रुपीज के आसपास इस रैकेट का आपको प्राइस देखने के लिए मिल जाता है, जो बहुत ही बेहतरीन है। तो बढ़ते हमारे फर्स्ट नंबर के रैकेट पर, जो है योनेक्स की तरफ से आने वाली योनेक्स वोल्ट्रिक Z-Force 2 स्ट्रंग बैडमिंटन रैकेट, जो बहुत ही बेहतरीन बैडमिंटन रैकेट है। इस रैकेट को पीवी सिंधु भी यूज करती थी, तो ये बहुत ही, आप सोच सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया रैकेट है। जान लेते हैं इस रैकेट के स्पेसिफिकेशन। अगर हम ग्रिप साइज की बात करें तो G4 की ग्रिप साइज ही आपको इस रैकेट पर देखने के लिए मिल जाती है। वेट की बात करें तो 85 ग्राम्स के आसपास इस रैकेट का वेट आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा वेट होता है। हेडशिप की बात करें तो अगेन आइसोमेट्रिक हेडशिप के साथ ही आपको रैकेट मिलती है, जो आपको बहुत ही अच्छा परफेक्शन देता है, बहुत ही अच्छी कमांड मिलती है आपको शटल पर। बीम वेट की बात करें तो 20 mm के बीम वेट के साथ आपको रैकेट देखने के लिए मिल जाती है, जो बहुत ही अच्छा बीम वेट होता है। तो ये रैकेट अगर आप हेड हेवी कैटेगरी में देख रहे हैं तो ये रैकेट आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम मिलते हैं अगले ऐसी किसी नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।